व्हाट्सअप गाइस, मान जी इंस्टाग्राम पे आपका कोई प्रोफेशनल अकाउंट है, यहाँ पे उसे आप प्राइवेट करने जाते हो तो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं मेरे अकाउंट में यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं और जैसे कि हम प्राइवेट करने जाते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो होता होगा। यहाँ पे हम चलते हैं अकाउंट प्राइवेसी में और यहाँ पे जैसे हम प्राइवेट करते हैं, बिजनेस अकाउंट कैंट बी प्राइवेट, मतलब बोलने का मतलब यह है कि मान जी आपने इस प्रोफेशनल अकाउंट बना रखा है अपने अकाउंट को और उसे आप प्राइवेट करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट बनाना होगा अपने प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट को। तो सिंपल से सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है, इसे हम सबसे पहले नॉर्मल अकाउंट बना लेते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करना है और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर क्रिएटर में चले जाना है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आओगे स्विच अकाउंट टाइप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नीचे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है राइट में ऊपर और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है अकाउंट प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट हो चुका है। तो ऐसे आप करके प्रोफेशनल अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो आसानी से गाइस, ये प्रॉब्लम अब नहीं आ रहा है तो आसानी से ऐसे कर सकते हो। आई होप कि आपको फुल डिटेल्स मिलेगा और जैसे कि देख सकते हो ताला वाला आइकन दिखा रहा है।